किसी ने सवाल किया था, औरतें वैक्सीन करवा सकती है क्या? ठीक है, वैक्सीन का माना यह है कि जो है बालों को जो है पैर पैर से निकालना। देखिए वैक्सीन जो औरतें करवाती है, वैक्सीन जो है बिल्कुल हाथों के बाल निकालते हैं, पैरों के बाल निकालते हैं, जिस्म के और भी आज़ा के बाल निकाले जाते हैं वैक्सीन के ज़रिए। तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ तो ये कि उमूमी हालत में इंसान खामोखा अपने जिस्म के बाल ना निकाले, सिवाय उसके जिसकी शरीयत ने इजाज़त दी और जिसकी ना दी हो। अब वो कौन से बाल है जो निकाले जा सकते, कौन से निकालना फ़र्ज़ है और कौन से बहरहाल चाहे तो निकाले चाहे तो ना, तीनों बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि औरतें मर्दों के जैसे बाल नहीं रख सकती, मर्द औरतों के सर के बाल नहीं रख सकते, मुशाहबत वाले बाल ना हो। दूसरा ये कि मर्द अपने बालों को खामोखा टखला ना कराए हमेशा, या औरतें टखला ना कराए, कुछ लोग टखला कराते हैं, हमेशा टखला नहीं कराना। तीसरा ये कि अगर आप सर के बाल निकलवाते भी हैं तो ऐसे काटे, अगर मर्द काटते हैं तो कहीं के छोटे और कहीं के बड़े ना रहें, ऐसा कुछ सर साफ कर दे और कुछ सर बाकी रखे, ऐसा कि कुछ लोग यहाँ से पट्टियाँ पूरी साफ़ कर देते और बीच में बाल रहते हैं अपने, तो दुरुस्त नहीं। इसलिए कि आपने सर के कुछ बाल पूरे निकाल दिए और कुछ बाकी, कुछ गंजा है और कुछ हुआ, ये भी दुरुस्त नहीं शरीयत में। कुछ गंजा रखना और कुछ हुआ, आप पूरे रखिए सर के बाल, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन कुछ हिस्सा गंजा कर दिया, कुछ हिस्सा है ना बच्चों को भी करा दिया, ऐसा यहाँ से पूरी कट पूरा गंजा रहता और सिर्फ बीच में बाल, दुरुस्त नहीं है। सर के बाल फिर पूरे रहने दीजिए आप, ठीक। ज़्यादा लिमिट उसकी आप कांधे तक या गर्दन के निचले हिस्से तक ला सकते हैं मर्दों के लिए, औरतों के लिए बहरहाल कोई मसला नहीं, वो जितने लंबे चाहे रखें। दूसरा ये बाल रखना है, दूसरा इसके अंदर जो दाढ़ी के बाल रखना है ये जो फ़र्ज़ है, ठीक। तो ये बाल वो है जो आपको रखना है। अब वो बाल जो निकालना है वो बाल वो है कि बगल के बाल निकालना, ठीक, ये सुन्नत है, इसको 40 दिन से पहले आपको निकालना है। दूसरा ज़ेरे नाफ के बाल काटना, ये भी वाजिब और सुन्नत है, इसको भी 40 दिन से अंदर आपको करना है। तो ये बाल है जो आपको निकालना है, ठीक। अब रहा वो मसला जो बाल जिनके ताल्लुक शरीयत ने कुछ नहीं कहा, जिसमें मानियत भी नहीं है और सुन्नत भी साबित नहीं है, वो बाल है कि सीने के बाल हो गए, पैरों के बाल हो गए, हाथों के, ये साबित तो नहीं है सुन्नत से किसी ने निकाला, लेकिन इसकी मनाइयात भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा बेहतर है कि आप ना करें, बेहतर ये है, इसलिए कि जब आप बाल निकालते हैं पैरों के और हाथों के तो बाल का जो फ़ायदा होता है आपको नहीं मालूम, इसलिए आप ये गलती कर बैठते हैं। बालों का फ़ायदा ये होता है कि बाल जो है जिस जगह से जिस्म से बाहर निकलता है वहाँ सुराख होते हैं, उस सुराख में जब इंसान कुछ काम करता है तो पसीना जो पानी इंसान पीता है उसके अंदर से नमकियात और ऐसी चीज़ें जो इंसानी जिस्म की गिलाजत होती है और इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में काम आती है वो बाहर निकलती है उन सुराखों से। जब आप वैक्सिंग करके वो बाल निकाल लेते हैं, या आपको ये बात मालूम होगी अगर बाल गलती से खींच के तोड़ दिया जाए, जड़ से निकल जाए, तो वहाँ क्या होता है स्वेलिंग्स आ जाती है, इसको बाल तोड़ बोलते हैं। वो होता क्या है, जब आप बाल अचानक खींच के निकाल देते हैं तो वो जो सुराख होता है जिसके अंदर से पसीना और गिलाजत बाहर निकलती है वो अंदर रुक जाती, अंदर रुक कर वो सड़ती जिससे बाल तोड़ हो जाता है। तो बाल जरिया होता है जिस्म की गिलाजत बाहर निकलने का, पसीना निकलता है उसके जरिए, नमकियात जो जिस्म चाहिए नहीं वो निकलती। वैक्सीन कराने से क्या होता है, वो पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे एक तो इंसान को सबसे पहला मसला होता है उसको सूजन आती है हमेशा। जो भी लोग वैक्सीन करते हैं देखिए सूजन रहती है हमेशा, हर चीज़ से सूजी, हाथ सूजे हुए, पैर सूजे हुए, अगर चेहरे के निकालते चेहरा एकदम सुजावा है ना, एकदम सुजावा दिखेगा इंसान, इसलिए कि क्या होता है वो नमकियात और पसीना अंदर ही रह जाता है और इंसानी जिस्म को नुकसानदेह होता है। तो मैं ये कहूँगा ये हराम तो नहीं है बहालत मजबूरी, अब किसी का शौहर जाली में सुनता ही नहीं भाई निकालो वो अलग बात, लेकिन आम हालत में कहूँगा आप ना करें, ठीक। अगर किसी की मर्ज़ी है बहरहाल वो एक अलग चीज़, लेकिन काफ़ी औरतों की मुशावियत में तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप। फलां हीरोइन के जो पैर कितने चिकने रहते हैं, फलां होता है ना, यही सब वजह बनती है आज, वरना कहाँ से मालूम लोगों को वैक्सीन होती है पैरों के हाथों के बाल निकालना, ये सब टीवी देखने का नतीजा है। देखिए उसकी बाजी कितने हाथ चिकने साफ थे वैक्सीन से होते, वो तुम भी कराओ जाके, चले इन्हों भी देखो तुमको यहाँ बाल है ना रुए हैं मूछे पे, जाओ उसका वो जो वैक्सीन करा दो उसको निकाल के आ जाओ, थोड़े दिन तो निकालते और बाद में बेहतरीन मूछे आ जाती है उनको। हाँ औरतें जो है निकालती है आप देखिए और बाद में बेहतरीन मोटे मोटे बाल आते हैं और वो पूरी ज़िंदगी उनको फिर शेविंग करते रहना पड़ता। अब बोलते थोड़ी किसी के सामने, हर बार जाओ फिर निकालो, हर बार जाओ निकालो, इसलिए कि गैरफितरी चीज़ करेंगे तो यही होगा फिर आपके साथ। चेहरे के बाल निकालते हैं रुए रहते हैं, रुए फिर मोटे होना शुरू हो जाते और बड़े बाल आना शुरू हो जाते, तो आप क्यों खामोखा कर रहे, गैरफितरी चीज़ें हैं ना ये सब, ठीक। तो आप ना करें, और चेहरे के बाल उखाड़ना बिल्कुल औरतों का ये हराम है, मर्दों के लिए भी ज़ाहिर सी बात हराम है, भवें उसमें शामिल होगी कि चेहरे भवें नहीं निकाल सकते, इसी तरह मर्दों का हराम और दाढ़ी वो तो फ़र्ज़ है तो वो रखना ही है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें एहतियात करें और वैक्सीन से बहरहाल एहतियात करना यही मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। बिलखसूस आपने जो पैरों का लफ्ज़ लिखा, हाथ भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अगर मजबूरी है शौहर मजबूर कर रहा है, काफ़ी औरतों को मुशावियत में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं, भावे उसमें बहरहाल चुमार है कि भावों के बाल भी निकालना औरतों के लिए याद रखे शरीयतन हराम है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसी तरह चेहरों के औरतों के ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल ने कहा वो औरतों पे लानत है जो चेहरों के बाल उखाड़े जिसमें भावे निकालना मना है, ठीक।